Welcome to Extra News with the latest news. Let's watch today's news reports. आज मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के भरपूर इजहार के लिए तारा ग्रुप पाकिस्तान ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के हवाले से एक रैली निकाली, जिसकी क़यादत चेयरमैन तारा ग्रुप डॉक्टर खालिद हमीद, डायरेक्टर सेल हफीज बेग और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज अली एहतशाम ने की। India's government has made a significant move to take direct control of the state of Kashmir. It will try to revoke a part of the constitution which gives India's only Muslim majority state the right to run its own affairs. Opposition parties have called this one of the darkest days for Indian democracy. Kashmir kaaz ke liye, Kashmir ki azadi ke liye, Pakistani puri qaum apne Kashmiri bhaiyon ke saath hai aur apni afwaj Pakistan ke saath hai. उसमें चाहे माल की कुर्बानी हो, चाहे जान की कुर्बानी हो, हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ता रहेगा और कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा और इंशाल्लाह कश्मीर और श्रीनगर पर पाकिस्तान का परचम इंशाल्लाह ज़रूर लहराएगा और इसके ऊपर किसी तरह का भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि कश्मीर डे वन से ही एक डिस्प्यूटेड मसला था, लेकिन पाकिस्तानी कौम, कश्मीरी कौम जो है वो इससे कभी भी पीछे नहीं हट सकती और इंशाल्लाह हम पूरी की पूरी कौम पाकिस्तान के साथ हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और हम ये इंशाल्लाह जंग जो है ये जीत के रहेंगे। दुश्मन है, भारत है, वो ये जान ले कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हम दिल्ली के ऊपर भी वो पाकिस्तान का परचम लहराएगा। रैली में शरीक तारा ग्रुप की आला इंतजामिया और एम्प्लॉयज ने पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मजलूम कश्मीरी भाइयों से भरपूर यकजहती का इजहार किया। Find more news reports of this event, log on to expanews.com.pk.